बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की बात करें तो फरहान अख्तर के फैंस के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। जी हाँ, फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म यानी तूफान की फर्स्ट लुक हमारे सामने आ चुकी है। तूफान फिल्म की फर्स्ट लुक फरहान अख्तर ने खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए खुद शेयर की है अपने फैंस के साथ, और साथ ही साथ उसकी कैप्शन में लिखा है कि तूफान उठेगा। तूफान फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में फरहान अख्तर निभाने वाले हैं एक बॉक्सर का किरदार, और साथ ही साथ ये जो फिल्म भी है एक बॉक्सर की जिंदगी पर बेस्ड रहने वाली है, कैसे वो अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव को फेस करता है। और अगर हम बात करें फरहान अख्तर की इस फिल्म की डायरेक्शन की तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। जी हाँ, तूफान फिल्म को राकेश ओम प्रकाश मेहरा डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग भी डायरेक्ट की थी। भाग मिल्खा भाग फिल्म की बात करें तो उस फिल्म में फरहान अख्तर ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस के साथ ऑडियंस का दिल जीता था। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की तो ये फिल्म मिल्खा सिंह की बायोपिक थी। 2013 में भाग मिल्खा भाग आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी, यानी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी धमाल मचा के गई थी। अब देखना ये होगा कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा और फरहान अख्तर की जो जोड़ी है इस बार क्या कमाल मचाती है सिनेमाघरों में, कितना बड़ा तूफान उठाती है बॉक्स ऑफिस पर। आपको बता दें कि ये फिल्म 2 अक्टूबर 2020 को सिनेमाघरों में लग जाएगी, यानी कि जिस दिन और दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं उस दिन एक और बड़ी फिल्म की रिलीज डेट जो है अनाउंस कर दी गई है। शहीद उधम सिंह की बायोपिक जिसमें कि हमें विक्की कौशल नजर आने वाले हैं, और साथ ही साथ सत्यमेव जयते 2 जो कि जॉन इब्राहिम की है, वो दोनों फिल्में भी 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाली हैं। अब फरहान अख्तर ने भी ये शेयर कर दिया है कि उनकी जो तूफान फिल्म है वो भी 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज होगी। अब देखना ये होगा कौन सी फिल्म कितनी बड़ी ओपनिंग लेती है, कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है, या फिर इन फिल्मों की रिलीज डेट्स जो है वो आगे पीछे की जाती हैं।